सब्सक्राइब कीजिए सीओ व्यूअर चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को फॉर गेटिंग एवरी लेटेस्ट अपडेट। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी सी ओ पी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस फॉर MST CET स्टूडेंट। तो बहुत सारे दिनों से मुझे यार ईमेल आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे और कमेंट बॉक्स में भी मैं पढ़ रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट को वो बोल रहे कि उनका बहुत सी स्टडी होने नहीं रही है, तो उन उसी वजह से उनको टेंशन आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, सैडनेस की फीलिंग आ रही है। कुछ बच्चों को हेल्पलेसनेस जैसी फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी हो रही है और सब्जेक्ट का इंटरेस्ट लॉस, ये भी प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट को आ रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट को ओवर स्लीपिंग, ज़्यादा स्लीप का प्रॉब्लम आ रहा था फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट टू स्लीप, नींद ही नहीं आ रही थी, ये सभी प्रॉब्लम आ रहे थे फ्रेंड। तो बेसिकली आपको बता दो, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स, हर किसी को कभी ना कभी आ ही सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम को हम आसानी से टैकल कर सकते, तो कैसे हम इसको टैकल करेंगे, कैसे इन सभी का सॉल्व करेंगे, ये हम टोटल इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बेसिकली हम वेरियस स्टेप्स देखेंगे कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना टेंशन और प्रेशर को रिलीफ कर सकते हो। तो पहली चीज़, हमें तो ज़्यादा प्रेशर लेना ही नहीं है फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या करना है कि जितने ज़्यादा अपने फैमिली के साथ आप टच में रह सकते हो उतने ज़्यादा रहिए फ्रेंड्स। जो भी आपके क्लोज फ्रेंड होंगे, जो भी आपकी फैमिली होगी, उतने उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टच में रहिए। और आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, आपको जो भी फीलिंग्स आ रहे हैं, वो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ आप ज़रूर आके शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उसी हिसाब से उनका सोल्यूशन भी आपको मिल सकता है फ्रेंड्स। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी ज़्यादा बातें अपने फैमिली के साथ शेयर करते हो और अपने क्लोज़ फ्रेंड के साथ शेयर करते हो फ्रेंड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड कीजिए फ्रेंड्स, जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। जो सबसे ज़्यादा अच्छे और पॉजिटिव फ्रेंड है, उनके साथ ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। जब भी आपको ऐसी फीलिंग आती है तो आप उनके साथ ज़्यादा बात कर सकते हैं, फैमिली के साथ बात कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल करके या फिर मैसेज करके भी बता सकते हैं फ्रेंड्स आपका क्या प्रॉब्लम है। तो ये पहला स्टेप हम कर सकते हैं। और दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, कि नेगेटिव जो पीपल है, नेगेटिव फ्रेंड्स है, उनसे हमें हमेशा दूर रहना है। मैं हमेशा आपको वीडियो में बताते रहता हूँ वैसे भी, कि जितने ज़्यादा नेगेटिव फ्रेंड्स आपके रहेंगे, वो बाद में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो अराउंड रहते हैं ऐसे लगता है कि आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जितने ज़्यादा आपके नेगेटिव फ्रेंड कम रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाला है फ्रेंड्स। तो नेगेटिव फ्रेंड के और नेगेटिव पीपल है उनके, उनसे हमेशा दूर रहना है फ्रेंड्स, क्योंकि उनके जो नेगेटिव थॉट है वो आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे और ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले रहेंगे फ्रेंड्स। और दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट कर सकते हो फ्रेंड्स। हर सुबह आप मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेशन नहीं करना है तो आप अपने गॉड से या फिर भगवान से प्रे भी कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि उससे भी आपको पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आपको आने लगेगी और पॉजिटिव एनर्जी आपको, और ये पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रिपरेशन के वक्त, स्टडी करते वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको प्रिपरेशन आप जब भी कर रहे हैं तो फोकस में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और वह तभी टाइम ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगेगी और उससे आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा ध्यान में रख दीजिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमें अच्छे से अच्छे फ्रेंड सर्कल बना के रखना है और अच्छे वाले ही फ्रेंड उसमें रखने हैं फ्रेंड्स। निगेटिव पीपल रहेंगे जो आपको हमेशा कहते हैं कि भाई इतना तू स्कोर नहीं कर सकता, तुझे कोई कभी भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लग सकता या फिर टॉप कॉलेज का COP भी नहीं लग सकता, तो इन बच्चों से आप दूर ही रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपका दिमाग फालतू में ख़राब करते रहेंगे और आपके अच्छे थॉट भी आपके अच्छे दिमाग से निकल जाएंगे फ्रेंड्स। तो जितना ज़्यादा आपका क्वालिटी वाला सर्कल रहेगा, फ्रेंड सर्कल, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इन चीज़ों को भी करके आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, या फिर आपको कौन से चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसा टाइम टेबल बनाना है, रोड मैप कैसा आप करेंगे, प्रिपरेशन में आपको और कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप सिंपल ही MST CET प्रिपरेशन टिप्स ये चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करके दिए, वो जाके ओपन करके देख सकते हैं। वहाँ पे आपका हर एक जो प्रॉब्लम्स है, हर एक डाउट है, उसका सोल्यूशन आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फ्रेंड्स। 40+ स्ट्रैटेजी वाले वीडियो मैंने ऑलरेडी उस पर बना के रखे, वहाँ पे जाके एक बार ओपन करके टोटल उसको देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वो प्रिपरेशन टिप्स वाली प्लेलिस्ट आपके लिए रहने वाली है फ्रेंड्स। आपका हर एक प्रॉब्लम का
आंसर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और लर्न टू से इन पीस, तो आपने इतना भी कर दिया तो ज़्यादा आपको अननेसेसरी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। जितना आपसे हो सकता था आपने वो कर दिया है, और ज़्यादा प्रेशर लेके आप अपने दिमाग को और मत ख़राब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहने की आप कोशिश कीजिए। जितना आपसे बनता है उतना आप फोकस लगा के टोटल स्टडी कीजिए फ्रेंड्स, जितना आपसे बनता है। और जहाँ तक आप से नहीं बनता वो उस टाइम आप छोड़ सकते हैं फ्रेंड्स, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एंग्री नहीं रहना है फ्रेंड्स, एंगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाद में। तो जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे और आपके दिमाग को स्टेबल और ब्रेन को स्टेबल और शांत रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाला है इन प्रिपरेशन स्टेज में भी। और रियलिस्टिक गोल रखिए फ्रेंड्स, एक दिन में 10 चैप्टर कोई भी नहीं कंप्लीट कर सकता, तो ऐसे गोल ही मत रखिए जो आप नहीं कंप्लीट कर सकते। तो जितना ज़्यादा रियलिस्टिक रहेंगे वो बहुत ज़्यादा आपको लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और ख़ुद को चार्ज होने में भी टाइम दीजिए फ्रेंड्स, जैसे आप अपने फ़ोन को चार्ज होने में चार्जिंग को लगाते हो उसको और चार्ज होने में टाइम देते हो, वैसे आपको खुद को भी चार्ज होने के लिए टाइम देना है। अच्छा खाना खाना है फ्रेंड्स, और अच्छे से नींद लेनी है, स्लीप भी अच्छे से 6 to 8 hours तक आपको स्लीप चाहिए, उतनी आपको स्लीप लेनी ज़रूरत है फ्रेंड्स। और पढ़ाई करते वक्त भी आपको स्लीप आती होगी, तो आप 30 minutes 1 hour तक स्लीप लेके बाद में 2 to 3 hours तक आराम से पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो वैसा ब्रेक लेके भी बीच में 2 to 2 hours का 3-4 slot बना के भी आप 6 to 8 hours तक आराम से स्टडी कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है, तो ज़रूर इसे आप फॉलो करके देखिए फ्रेंड्स। तो बेसिकली हेल्थ, स्टडी, फैमिली और सोशल लाइफ में आपको बैलेंस बना के रखना है फ्रेंड्स, इन चारों और पांचों चीज़ों में आपको बैलेंस बना के ही रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, नॉट ओनली फॉर एग्ज़ाम और आगे लाइफ पे भी आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि उसकी भी हेल्प होनी चाहिए। और MHT CET प्रिपरेशन के ऊपर आपको और कोई भी वीडियो देखना होगा या फिर और कोई भी टिप्स जान के लेने होंगे, कैसा प्रिपेयर करना है, कौन से चैप्टर के लिए कितना वेटेज है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस बुक से पढ़ना है, कितना घंटे आपको स्टडी करनी है, आपका आइडियल रूटीन कैसा रह सकता है, इसके टोटल वीडियो आपको चैनल पे ऊपर MHT CET प्रिपरेशन टिप्स ये प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे फ्रेंड्स, आप ज़रूर जाके ओपन करके देख सकते हैं। और किसी भी कॉलेज के ऊपर आपको वीडियो देखना होगा तो आपको सिर्फ चैनल पे जाके विजिट करके प्लेलिस्ट ओपन करके देखना है फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर 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 शेयर कर दीजिए, ताकि उसकी भी कुछ इस वीडियो से हेल्प होनी चाहिए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आपके प्रॉब्लम्स और डाउट क्लियर होते रहेंगे फ्रेंड्स। सो थैंक यू।